तमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखे अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है, या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको डिसिप्लिन लेके आना है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं, आपको पिकअप कॉल सिस्टम को वापस जोड़ना है, आपकी एज क्रिकेट के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो ये एक अलग अलग चीज है। अभी मैं आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में जी। आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखे ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। सो मैं अपना देखता हूँ, यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी, और ना ये देखा अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए, कुछ हम सेक्रीफिशियल, वो ईद आने वाली है वो कुछ सेक्रैम्स कुछ तैयार करके हम खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि ये मेरी नहीं थी उसकी गलती थी जी। तो ये एक तरह से ना, फिर यही है कि T20 सिर्फ खेलनी है क्योंकि वो पैसा उसमें है। सो हमने मेहनत नहीं करनी है, हमें जल्दी से क्विक रिजल्ट चाहिए, वो जैसे आप फ्रीजर में रख देते हैं ना जेली, 5 मिनट में तैयार होकर आ जाती है रंग बिरंगी। तो ये हमारी क्रिकेट जो है ना वो इस तरह से है जी। कि वो जल्दी से ना फ्रीजर में आप चीज रख दें और एक वो उल्टा पुल्टा जो है ना वो पेंडू किस्म की ना कलर वाली आप जेली खा लें। तो यही है, ये हमारे इस वक्त जो है ना वो ये बहुत लंबी एक रेस है जिसके ऊपर हमें दोबारा से खड़े होना है। आसान काम नहीं है, इसलिए कि जब वैसे बाय द वे जब चोट लगती है ना, जब आपका दिल दुखता है तभी आप बड़े पैशनेट और इमोशनल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मुझे हर्ट होती है ना मैं बेस्ट अपना लिखता हूं तब, क्योंकि फिर आपके इमोशंस जो है ना वो कलम में आते हैं। तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूं कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए।